हेलो गाइस, तो आज हम हैवी कपड़े धोने वाले हैं सैमसंग की वॉशिंग मशीन में, जो कि टॉप लोड की है। आप देख सकते हो जी वाले, ये मॉडल है। ठीक है, ये है वो इसका डिजिटल इन्वर्टर थिंग वगैरह। ठीक है, सब कुछ ऐसा है, तो फुल ऑटोमेटिक है। तो आप इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन हो चुका है, लेकिन आज इसका रिव्यू करते हैं। हैवी कपड़े तो मैंने जहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, तो ठीक है, तो ये मशीन हमारी चालू हो चुकी है। तो अब इसमें हम, ये देखो ऑन हो चुका मशीन हमारा। इसमें हम हैवी कपड़े धोएंगे, भारी कपड़े जो कि सर्दियों के पहने जाते हैं, वो हम इसमें साफ़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसका ये अंदर से इंटरफेयर से। तो इसमें हम हैवी कपड़े डालने वाले हैं। इसमें हम काफ़ी सारे भारी कपड़े डालेंगे। ठीक है, तो आप देखना इसका फुल रिव्यू। तो 8 kg का ये मॉडल है, 8 kg का मॉडल है जी। तो इसमें हमने बहुत सारे भारी कपड़े डाल दिए। ये देखो, एक दो, ये देखो, बहुत सारे हैवी कपड़े इसमें, ठीक है, हमने डाल रखे हैं। तो इसको हम साफ़ करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो इसमें हम भी डालेंगे सर्फ, जो भी आप यूज़ करते हो, घरेलू डिटर्जेंट, उसको निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे डाल देंगे, तो इसमें हमने सर्फ डाल दिया थोड़ा सा, अभी और डालेंगे सर्फ। इतना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो उसमें। मैंने 1 स्पून डाल दिया। तो हम रेगुलर जो यूज़ करते घर पे, वही डालते हैं इस पर। तो हमने इसमें 4 स्पून डाल दिए। ठीक है, ये है हमारा डिटर्जेंट, तो हमने इसमें फिल कर दिया। अभी हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हैवी मतलब कपड़े धोनेंगे, तो इसमें गर्म पानी डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकल क्विक वॉश पे था, लेकिन हम इसको सर्कल को चेंज करना है। ठीक है, अरे सॉरी। तो ये देखो, अभी हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। नर्जी सेविंग राइस इक्वल जीन्स क्विक वॉश डेलीकेट, जो सस्ते होते हैं, बैटिंग, नॉर्मल वॉश। हम नॉर्मल वॉश करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम नॉर्मल वॉश करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक अब घूमने लगेगा, तो इसको हम करते हैं यहाँ से चालू। ये देखो, ये टाइम बता देगा कितना टाइम लगेगा इसको पूरा। ठीक है, तो अभी हम इसमें सप्लाई ऑन करते पानी का। तो हमने पानी ऑन कर दिया। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ ये कितना टाइम लेगा टोटल वॉशिंग के लिए। जी अभी ऑटोमेटिक घूम रहा है, तो उसका वो चेक करेगा। हाँ अभी इसको इतना ज़रूरत पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा, जैसे ही ये हो जाएगा वो पर आपको बता देगा। ये भी सिलेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली, इसका जो होगा भाई कितना टाइम। ये देखो, 54 मिनट आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चल चुका है पानी ऊपर से, ये देख सकते हो। इसमें अभी हम करेंगे ऐड पानी। ठीक है, ऊपर से ऐड करेंगे हैवी मतलब हॉट वाटर ऐड करेंगे इसमें। ये देखो, ये चल रहा है 54 मिनट। ये अभी रिन्स करेगा पहले अपना पानी, ऑटोमेटिक लगेगा जितना टाइम उसको पानी लेने में टाइम लगेगा उसी हिसाब से करेगा। ठीक है, तो अभी हमें जी हमारे 2-3 फीचर नहीं हम चला पाए, बबल स्टॉर्म एंड सुपर स्पीड, डिले एंड भी हमने यूज़ नहीं किया अभी। ठीक है, स्मार्ट कंट्रोल हम वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक पानी लेगा, जब तक ये पानी लेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कम से कम 30 लीटर 40 लीटर पानी पड़ता है, पड़ता है, ज़्यादा पड़ जाता होगा, मेरे को वो भी अंदाज़ा नहीं है पूरा। देखते हैं इसमें, ये हमने एक 10-15 दिन दिवाली के दिन परचेज किया था ये मॉडल। ठीक है, फुल ऑटोमेटिक पावर सेविंग गाइड, ये 3 ईयर का वारंटी वगैरह सब कुछ इसमें है।
टॉप लोड फुल ऑटोमेटिक है, बबल स्टॉर्म डिजिटल इन्वर्टर स्मार्ट थिंग ऐप के साथ चलता है, और मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हो ये वाईफाई का फंक्शन आ रहा है ऊपर। ठीक है, ये 53 मिनट लेगा अभी। इसका एक और प्रोग्राम अच्छा है, आप जैसे अचानक इसको उठा देते हो, ये देखो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये अभी बोलने लग गया। ये देखो मेरे ऐप में से मेरे को डोर ओपन का फाउंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, जैसे हम इसको क्लोज करेंगे ना, ये पानी ऑटोमेटिक फिर चलने लगेगा। ये देखना वहीं पर स्टार्ट हो गया, ये देखो। ठीक है, इसमें ये इंटरफेस है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। आप अचानक से उठा देते हो तो दोबारा से चलने लगता है वहीं से। अगर आप लोग के अगर इसको सपोज करते हो जहाँ से, ठीक है, तो आप इसके चेंज कर सकते फंक्शन वगैरह। ये देखना अभी क्या आपको चाहिए। ठीक है, ये दिखा गया वहीं पे, तो ऐसा ही है इसका बबल स्टॉर्म ये वगैरह। ठीक है, बबल स्टॉर्म अभी तक मेरे से हुआ नहीं, इंटेंसिव वाश वगैरह शायद डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाला फंक्शन। तो सुपर स्पीड ये देखो विद वाशिंग सब कुछ क्लीन करेगा। ये देखो टब क्लीन का ऑप्शन, ये आपको दिख रहा है टब क्लीन का ऑप्शन, ये वाला, हाँ रेड वाला, ये वाला इको टब क्लीन अपन लेकिन करना नहीं, हम अभी नहीं करना चाहते। तो इसको तो चेंज कर देते हैं, डाउनलोडेड, तो डाउनलोडेड में हम दबा के रखते हैं, वो डाउनलोड करते हैं। क्या करना डाउनलोड इसका, ये 1 आवर एंड 9 मिनट डाउनलोडिंग ये बता रहा है। ठीक, हमको नहीं पता वो कहाँ डाउनलोड किया उसने, लेकिन हम इसको प्योज कर देते हैं फिर से, हम सब चेंज करते हैं, हमको नहीं चाहिए जी, हमको तो सिर्फ ये चाहिए था, तो हमने इसको चला दिया दोबारा से। ठीक है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो उसके, अगर आप रोक देते हो इसको, जब आपने रोक दिया आपको कितना वाटर लेवल चाहिए, ये देखो ये 10 तक मैंने कर दिया, तो आप ये वाश टाइम देख सकते हो कितने मिनट का वाश टाइम चाहिए, कितनी बार वाश करेगा जी वाश मिनट। ठीक है, मैंने एक कर दिया, तो रिंस टाइम 2 टाइम 3 टाइम 1 टाइम, तो हमने 2 टाइम कर दिया। तो स्पिन स्पीड ये देखो एक्स्ट्रा हाई थे हमने कर दिया, लो हाई एक्स्ट्रा हाई। ठीक है, तो ऐसा है जी सब, वाटर लेवल बढ़ाओगे टाइम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा जैसे सब चेंज करते जाओगे। ये देखो वाश टाइम आप चाहते वाश टाइम आपने 30 मिनट कर दिया। ठीक है, तो इतना बढ़ता जाएगा। ये रिंस स्पीड, ये रिंस टाइम आप जितनी बार करोगे उतनी बार ये ऑटोमेटिक पानी ले लेगा, तो लेगा। ठीक है, सर बस और कुछ नहीं, ये स्पिन स्पीड है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम इसको नॉर्मल पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो जी ये बस इसका, तो आप चेंज कर लो अगर आप चाहते हो कि आप इसको जहाँ पे चेंज करते हैं। ये देखो हमने कुछ नहीं अभी छेड़ा, तो इसको कर देंगे प्ले, 1 आवर एंड 12 मिनट लगेंगे इसको फुल वाश में। तो अभी हम इसमें करने जा रहे हैं हॉट वाटर ऐड। ठीक है, हॉट वाटर ऐड करने जा रहे हैं अभी, ये आप देख सकते हो अभी इसमें हमने हॉट वाटर ऐड कर दिया। आप इसका देखो बाफ बन रहा है, तो ठीक है, जैसे हमने किया हॉट वाटर पूरा सर निकल चुका इसका। ठीक है, ये देखो जी सर्फ का पानी था ऑटोमेटिक ये घूमता रहता है, ये सर्फ का पानी ऑटोमेटिक चलता है। तो ये आज हम इसको क्लीन करेंगे, टब क्लीन का भी ऑप्शन है इसमें, ये देख सकते हो। अभी हमने इसको हॉट पैन डाल दिया, अभी थोड़ा सा ऊपर से और पानी डालेंगे, तो इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, अभी इसको हम फिर से चलाएंगे वहीं से। ठीक है, ये देखो चल गया, जब तक इसका वाटर लेवल नहीं चलेगा ना पूरा, तो ये घूमेगी नहीं मशीन। हाँ, अभी आपको दिखाएंगे ठीक है वाटर लेवल के बाद। बस इसका एक ही प्रॉब्लम है, आपको अंदर से दिखता बहुत कम है, ये देखो हम आपको दिख नहीं रहा हमको अभी इसका अंदर का जो होता है ना पानी वगैरह का, ये शीशा थोड़ा सा अगर ब्लैक कम होता ना मज़ा आ जाता है इसका। तो उन्होंने इसलिए शायद दे रखा है, शायद इसका वो क्या बोलते हैं मैचिंग करने के लिए ब्लैक थोड़ा सा दिया हुआ है। तो
मैं चाहता हूँ अगर मैं इसमें थोड़े से और क्लॉथ डाल दूँ तो वो करने जा रहा हूँ, मैं भी इसमें थोड़े से और कपड़े डालने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने एक जैकेट डाल दिया इसमें। ठीक है, बस यही दिक्कत इसमें जाएगा नहीं शायद। और इसमें अभी मैं डालने जा रहा हूँ दूसरा जैकेट जीन्स का, तो देखते हैं जी पूरा वॉश करेगा कि नहीं करेगा। यही इसका थोड़ा सा दिक्कत है और कुछ नहीं। तो अभी मैंने डाल दिए दोनों और देखते हैं जी दोनों साफ हो पाएंगे कि नहीं बीच में से। ये मशीन चालू हो चुका है, ये पानी दिख रहा होगा आपको। जब तक इसको लगेगा नहीं पूरा पानी पूरा लेवल नहीं हो रहा तो ये घूमेगा नहीं। अभी आप ऊपर टाइम भी देख सकते हो, 1 आवर एंड 10 मिनट बिता रहे हैं। तो अब मैंने इसमें फुल उसको पूरा फुल ऑन फुल डुबा के कपड़ा डाल दिया है। अब इसमें जगह और नहीं है कि, और इसको ये देख सकते हो आप, इसमें भी और जगह नहीं है कि हम इसमें और कपड़े डाल पाएँ। ठीक है, मेरे को ऊपर बार बार ऑप्शन आ जाता है कि और वॉशिंग मशीन डोर ओपन हो चुका है तो क्लोज़ करूँ। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा था DC वगैरह, तो चल गया उधर से। इसका वाटर लेवल देख सकते हो आप, 10 का कर रखा मैंने, वाशमेंट ज़्यादा कर रखा है तो वाशमेंट अब थोड़ा सा कम कर देते हैं। वाशमेंट 6 12 18 हम इसको करते हैं सिर्फ। ठीक है, ये सही है, तो वाशमेंट हमने थोड़ा सा कम कर दिया इसको, क्योंकि 2 12 मिनट बहुत होते वॉशिंग के लिए। ठीक है, नॉर्मल कपड़ों को, और 2 टाइम ये पानी लेगा। ठीक है, 2 बार राइंस करेगा, 2 टाइम वॉश करेगा, वॉश मतलब एक बार ही करेगा, 2 बार मतलब 12 मिनट ये वॉशिंग करता रहेगा, पानी एक बार लेगा, तब रिंस 2 टाइम करेगा। ठीक है, तो रिंस टाइम 2 बार पानी लेगा। और स्पिन स्पीड तो हमने नॉर्मल की अपन चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो हो गया ऐसा रहेगा इसका। एक बार इसने वॉश कर लिया कपड़ों को, अभी इसका रिंस टाइम हो रखा है 2, ये पहली बार पानी ले रही है। क्या इसने कपड़ों को वॉश कर दिया, ये भी इसको रिंस करेगा। ठीक है, 2 बार, एक बार ये पानी ले रहा है और एक बार इसके बाद और लेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद उसका आएगा, ये दोबारा ऑटोमेटिक पानी उठा रहा है। ठीक है, वो मेरा इंटेल वहाँ पे हो, ये देख सकते हो आप, इधर से हमने लगा कर चाय की तरफ लगाए। अभी इसका हम करेंगे थोड़ा सा सेट है, तो ये पानी ले रहा है दूसरी बार, जब तक ये पानी लेगा उसको रिंस करेगा। ठीक है, एक बार रिंस करेगा उस पानी को निकाल देगा, दूसरी बार करेगा ऐसा करेगा। अभी इसको 38 मिनट चाहिए। ठीक है, देख सकते हो आप 38 मिनट में ये काम करेगा दोबारा। बस वॉशिंग मशीन में टाइम लगता है सिर्फ पानी को लेने में, और कोई बात नहीं थी, क्योंकि पानी का भरना उसमें बहुत थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप ऊपर से पानी डालते हो वो तो बढ़िया है, लेकिन ऑटोमेटिक में यही दिक्कत होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है पानी में, सिर्फ कम से कम 10 15 मिनट पानी में लग जाते हैं, तभी तो ये रुक जाता है मशीन काम करना। और इसने अपने ऑटोमेटिक हिसाब से लेना है, जब तक कितना अपने का प्रेशर पानी का उतना ही ये लेगा, और ठीक ठाक प्रेशर होना चाहिए पानी में, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पर आपका इंटेल लीक करेगा। ठीक है, तो आप उतना ही पानी ये लेता है। 38 मिनट बहुत होते हैं, तो ये आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा और भरना, जब तक ये पूरा फिल नहीं होता ये रिंस नहीं करेगा अभी। ठीक है, जैसे मैंने ढक्कन दिया उसने मेरे को मैसेज कर दिया, आवाज़ निकाल दिया, अपना बीपिंग शुरू कर दिया, आप यहाँ आपका ढक्कन ओपन है, आपका डोर ओपन है, तो आप उसको प्लीज़ बंद करिए, देख सकते हो आप। ये देखो बीप कर रहा है, ये ऊपर DC आ रहा है लिखा हुआ, तो ऐसा है इसका। जब तक तो ये ढक्कन नहीं बंद होता ये आपका पानी भी फिल नहीं होगा। जी देखो ऊपर, तो जैसे क्लोज किया ऑटोमेटिक फिर चलने लग गया। ये टॉप लोडिंग वाटर मशीन का बहुत अच्छा काम, ढक्कन आप इसमें ढक्कन ओपन कर सकते हो,
लेकिन दूसरे में नहीं कर सकते। वाशिंग मशीन रिंस करने वाला है, ठीक है, पानी लेवल बढ़ता जा रहा है, ये देखो काफ़ी बढ़ चुका लेवल, इसका यही दिक्कत नज़र हो, बस एक शीशे का दिक्कत है, अगर ये अच्छे से होता ना आपको पूरे कपड़े भी नहीं दिखते इसमें। जब भी चलने वाला है, ठीक, अब रिंस करेगा ऑटोमेटिक, एक बार पानी लेगा, इसको कितनी बार रिंस करना है उतना रिंस करेगा, ये उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अभी ये देखो वॉशिंग मशीन का जो धोने वाला था फीचर वो हट कम हट गया इधर से, ठीक है, अभी सिर्फ रिंस एंड वो रह गया स्पिन्स, ठीक, रिंस स्पिन्स दो काम करेंगे। अभी वॉशिंग मशीन वाला हट चुका है बटन इसमें से, अभी ये चलने वाला मशीन और जैसे ही काम करेगा पानी कट कम हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसका एक और फीचर अच्छा है, इसमें अगर पानी और इसको चाहिए तो ऑटोमेटिक उतना और पानी ले लेगा, चलने के बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर पानी लेगा फिर चलने लगेगा, ऐसा होगा ऑटोमेटिकली, इसको पता चल जाता है अब यहाँ पर इतना पानी है इसमें और चाहिए। अभी इसका ये लास्ट राइंस है, लास्ट रिंस कर रहा है ये अभी, तो इसके बाद ये पानी निकाल देगी और फिर स्पिनिश होगा पूरा, ये देखना अभी। ये कपड़ों को हिला रही है पूरा, ये देखो अभी इसने पानी निकालना शुरू कर दिया, बहुत तेजी से पानी निकाल रहा है, जी देखो पानी कम होता जा रहा है इसका, तो दिखता नहीं है इसमें, यही दिक्कत थोड़ा सा ना शीशे का। जब तक भी पानी इसका निकालेगी पूरा अच्छे से निकाल देगी पानी, इसने पानी पूरा निकाल दिया, अभी ये थोड़ा सा रिंस करेगी पहले, ये देखो अभी ये सिर्फ रिंस करेगी पूरा, इसका टाइम निकल जाएगा, इसमें 15 मिनट लगेगा इसको रिंस करने में, अभी 14 मिनट आ गया, ये देखो आप देख सकते हो कपड़ों को इसने शुरू कर दिया, तो ना इसकी स्पीड देख लेना आप, अभी ये नॉर्मल स्पीड चल रही, अभी देखना ये फुल स्पीड में चलेगी, ये जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी पानी निकलता जाएगा और उससे और फुल स्पीड में पानी निकलता भी। बहुत फास्ट चलेगी, बहुत ही फास्ट, इसका नॉइस भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही, अभी देखना कितना फास्ट होगी ये, बहुत ही फास्ट हो चुकी है, ये देखो
फुल फाट तोड़ दीजिए फुल। अभी ये थोड़ा सा हिल रही है देखो, क्योंकि हम जगह उस साल का ना थोड़ा सा उतर नहीं होता है, तो उस साल से ये एडजस्ट कर रही है अपने आप को, लेकिन हिल रही है अभी। ये देखो अब स्पिन किया एक बार इसने, अभी और करेगी स्पिन, देखना अभी इससे और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी ये भी। अभी ये फिर से टर्न हो रही, अभी और ज़्यादा स्पीड होगी देखो। कपड़ों को एडजस्ट कर रही, देख रही है कितना हैवी है, तो टाइमिंग देख लो आप, 11 मिनट बता रही है अभी। शीशा ब्लैक होने की वजह से ये नहीं दिख रहा पूरा अंदर का प्रॉपर का व्यू। अभी इसका स्पीड देखो पहले, ये देख सकते हैं आप स्पीड इसका। बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते इतना फास्ट चल रहा है। अभी वाइब्रेट देखना, इतना सिर्फ हो रहा है, लगता ही नहीं ये मशीन चल रहा है, देख सकते हो आप। ये देख स्पीड इसका, और बीच के कपड़े पूरे सूख गए, पानी जितना भी होगा निकाल देगा और 7 मिनट चलेगा अभी इसको। देखो हमें नॉर्मल वॉश रखा था, और 6 मिनट पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। और हम इसे इधर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, अभी चेंज नहीं हो रहा, अभी ये स्पिन कर रहा है ना इसलिए चेंज नहीं हो रहा। चल रहा है बहुत ही ज्यादा तेज, लेकिन मशीन को तो ऐसा लगा जैसे चल नहीं रहा, ये देख सकते हो आप। बस आपको वही अंतर बंपर दिखाई देगा, एक बार और अभी रुक जाएगा, मैं भी रुकेगा या चलेगा मेरे को नहीं पता। अभी हमने इसको रुकने दें, ये देखना रुक, अचानक से रुक जाएगा जी। अभी ये चेंज नहीं हो पा रहा, कितना ही फर्क चलेगा। हम इधर से चेंज करेंगे अभी, क्या किया हमको ओनली स्पिन्स करना है। बस इतना ही रहेगा, अभी चलेगा फिर से। हमने अभी क्विक वॉश चेंज कर दिया, वैसे ये रिंस करेगा और उसके पास स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक, 12 मिनट चाहिए इसको, देख सकते हो। मिलते हैं गाइस कपड़े सूखने के बाद। तो गाइस सिर्फ 2 मिनट रह चुके हैं लेफ्ट हमारे वॉशिंग मशीन को पूरा होने के लिए, पूरा था 1 आवर एंड 12 मिनट, ठीक है। तो ये लास्ट स्पिन है और उसके बाद ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये देख सको, ये वॉशिंग पूरा हो चुका है, ये बंद हो चुका मशीन,
अब ये बीप करेगा, कपड़े पे आपके साफ हो चुके हैं, निकाल लो उसको। तो देखना अभी 0 सेकंड, अभी ये बीप कर रहा है। ये देखो ऊपर मेरे को मैसेज आ चुका है, साइकिल कंप्लीट। ये बीप हो रहा है, इसके बाद हम इसको निकालेंगे एक बॉक्स को। जी भी अपने आप बंद हो जाएगा और पूरा का पूरा जो स्विच अभी देखो ये हो गया, कपड़े बंद हो गए। अब हम इसमें कपड़े निकाल सकते हैं। गाइस कपड़े देखते हैं, पूरी तरह सूख चुके हैं, पूरी तरह भाई साहब सूख गए हैं कपड़े। ये देख लो पूरी शाइनिंग आ रही है कपड़ों में, जो भी था कपड़ों कैसा भी था अभी ये पूरा सूख चुका है। ये देख लो मेरे हाथ भी गिद्धे नहीं हो रहे इतने, ये देख सकते हो पानी नहीं है इसमें अभी। तो वॉशिंग क्वालिटी अच्छी है लेकिन आपको धूप में थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, ऐसा है ठीक है। बहुत सारे कपड़े थे इसमें, तो बस 8 कितने कपड़े थे जो हमने वाश किए इसमें, लगभग 10-15 कपड़े थे जो मैंने देखे। इसमें पूरा क्लीन हो चुका है, ज़्यादा इसको निकालो और लगा लो यहाँ पे। ये देखो लग गया, और भी ये मशीन बंद हो चुका ऑटोमेटिकली, ठीक है।